आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 5 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सीमा विवाद पर SC का बड़ा फैसला, NCR के लिए कॉमन पास बनाए तीनों राज्य। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण दिल्ली NCR की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने के निर्देश दिए हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि NCR के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCR क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे NCR में आवाजाही हो सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा चुनाव से पहले 2 विधायकों ने गुजरात में छोड़ी पार्टी। ये दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। एक जानकारी के मुताबिक करजन से पार्टी के विधायक अक्षय पटेल और कपराडा से विधायक जीतू चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है। मार्च में भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने त्याग पत्र दिया था और अब 2 विधायकों के पार्टी छोड़ने से गुजरात विधानसभा में कांग्रेस का संख्या बल घटकर 66 रह गया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों विधायकों का त्याग पत्र मंजूर भी कर लिया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। इन 18 सीटों में 4 राज्यसभा सीटें गुजरात की भी है। चुनाव की तारीख 19 जून घोषित की गई है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुलाई से दोबारा भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का लक्ष्य। ये दोस्तों आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को दोबारा भारत से शुरू किए जाने को लेकर पूछताछ बढ़ती जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भारत की इस संबंध में योजनाओं को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपना रुख साफ कर रहे हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि पुरी ने ट्वीट किया कि हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही स्थिति थोड़ा सामान्य होती है और हमारे नागरिकों को कोई खतरा पेश नहीं आता तो हम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने पर विचार करेंगे। हमें यह देखना होगा कि हम जिन देशों में उड़ान भरने का इरादा रखते हैं वो विदेशी नागरिकों के लिए खुले हैं या नहीं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने महिला जनधन खातों में जारी किए 500 रुपए की तीसरी किस्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला जनधन खाता धारकों के खाते में जून महीने में तीसरी किस्त जारी की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने यहां पर बताया कि पहले की 2 किस्तों की तरह इस बार भी बैंक खाते में अंतिम नंबर के आधार पर राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके तहत अंत के 0 और 1 नंबर वाले खाते में 5 जून को राशि हस्तांतरित की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इसी तरह 2 और 3 नंबर वाले खाते में 6 जून को, 4 और 5 अंक वाले खाते में 8 जून, 6 और 7 अंक वाले खातों में 9 जून और 8 तथा 9 अंक वाले खातों में 10 जून को धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद खाता धारक अपने खाते से धनराशि निकाल सकेंगे। ये दोस्तों आपको बता दें कि उल्लेखनीय ये है कि लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने गरीबों की मदद के उद्देश्य से महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए देने का निर्णय लिया था और इसी के तहत यह राशि हस्तांतरित की जा रही है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत अभी नहीं आ रहा है विजय माल्या, प्रत्यर्पण में लग सकता है कुछ और समय। जी दोस्तों आपको बता दें कि कारोबारी विजय माल्या का भारत में प्रत्यर्पण एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस गया है, लिहाजा उसको भारत लाने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले महीने ब्रिटेन की अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या की अपील को खारिज कर दिया था, साथ ही ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि इसके बाद एक लीगल इशू है जिसको विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से पहले सुलझाना जरूरी है। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ब्रिटिश हाई कमान के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन के कानून के तहत जब तक इस लीगल इशू को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक विजय माल्या का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। प्रवक्ता ने इस लीगल इशू को गोपनीय बताते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि हम यह भी नहीं बता सकते कि इस लीगल इशू को सुलझाने में कितना समय लगेगा, हालांकि हम इस लीगल इशू को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि CM योगी ने स्टार्टअप फंड का किया शुभारंभ, युवाओं को कौशल के हिसाब से मिलेगा रोजगार। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश को उबारने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जान से जुटे हुए हैं। इसी के मद्देनजर CM ने स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है। प्रदेश सरकार और SIDBI के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। ये दोस्तों आपको
बता दें कि सीएम ने आगे कहा कि इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक यूपी में आए हैं, हमें उनकी स्किल के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश में बने, जिससे कि प्रदेश का युवा जुड़ सके और जॉब की संभावनाओं को बल मिल सके। इससे न सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान होगा बल्कि उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ यूपी के माध्यम से पूरे देश को भी मिलेगा। हमारी नीयत नेक है, लेकिन नीयत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी गति देनी होगी, तभी हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ये दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छे काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए समय पर फैसला लेना जरूरी होता है, वरना एक बड़ा वर्ग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। हमारी नई स्टार्टअप नीति आ रही है और इससे युवाओं को अपना स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब चीन को माफ करने के मूड में नहीं है अमेरिका, अब आर पार के लिए हो रहे तैयार। ये दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चीन में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आलम ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। उन्होंने अपने ताजा फैसले में अब चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी। इससे चीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना की महामारी का दंश झेल रहे देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच ये तनातनी यूं तो काफी लंबे समय से है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें विवादों की खाई और अधिक चौड़ी हो गई। यही वजह है कि दोनों जिस तरह का रुख अख्तियार कर रहे हैं उससे लगता है कि ये आर पार के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि निजीकरण के खिलाफ 10 जून से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा भारतीय मजदूर संघ। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस समर्थित मजदूर इकाई भारतीय मजदूर संघ निजीकरण के विरोध में 10 जून 2020 से देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रहा है। संगठन का नारा होगा सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ, भारत बचाओ। 10 जून को बीएमएस और पीएसयू इकाई में पूरे दिन धरना प्रदर्शन रहेगा, साथ ही विरोध सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जाहिर है कि भारतीय मजदूर संघ समय समय पर मजदूरों के हक के लिए अपनी आवाज उठाता रहता है। इससे पहले श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ भी इस संगठन ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। पिछले महीने कुछ राज्यों ने श्रम कानून में बदलाव किए, मजदूर संघ इन बदलावों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि निर्माण कंपनियां मजदूरों को वापस बुलाने के लिए विमान टिकट और अतिरिक्त भुगतान का दे रही है प्रलोभन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच प्रवासी श्रमिकों के अपने राज्य लौटने से कई निर्माण कंपनियों का काम समय पर नहीं हो रहा है और उन्हें वापस बुलाने के लिए विमान टिकट और अतिरिक्त भुगतान का प्रलोभन दे रही है। शहर की एक निर्माण कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, श्रमिकों की कमी ने कंपनियों को उन्हें वापस बुलाने के लिए प्रलोभन देने पर मजबूर कर दिया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रेस्टीज ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर सुरेश कुमार ने कहा, उनके ठेकेदारों में से एक ने पटना से 10 बढ़ईयों को बुलाने के लिए विमान टिकट देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट नियामक रेरा ने ऐसी परियोजनाओं की समय सीमा तो बढ़ा दी है, लेकिन उनके जैसी कुछ कंपनियां इसे तय समय में ही पूरा करना चाहती है। दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु की इस कंपनी की 3-3 परियोजनाएं हैदराबाद में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले यहां 2300 श्रमिक काम करते थे, जो अब 700 ही रह गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि डीयू में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नहीं होगी परीक्षा, प्रमोट होंगे विद्यार्थी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को लेकर एक अहम अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक डीयू इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। दूसरे और चौथे सेमेस्टर के स्नातक विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी होगी। पहले और दूसरे साल के स्नातक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि इन विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट जमा करने और पिछले वर्ष के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उनकी ग्रेडिंग के लिए वैकल्पिक माध्यम अपनाया जाएगा। विद्यार्थियों को 50% नंबर आंतरिक मूल्यांकन और असाइनमेंट के दिए जाएंगे और बाकी 50% नंबर पिछले सेमेस्टर और पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे। इसे लेकर डीयू ने बकायदा विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। ये दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ओपन बुक परीक्षा होगी। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज होगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जानिए कि कब, कहां और कैसे देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। ये दोस्तों आपको बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को रात को लगा था। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण उप छाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसके कारण चांद का आकार और छवि में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ चांद की छवि धूमिल होगी। यह चंद्र ग्रहण खगोलीय
भूगोलीय और ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्व रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में भी चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं नजर आएगा, बस चांद की धुंधली तस्वीर नजर आएगी। दोस्तों अगर आप लाइव चंद्र ग्रहण देखना चाहते हैं तो आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसके लिए आप www.nasa.gov पे जा सकते हैं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना के मद्देनजर रेलवे ने की मदद, दिल्ली में उतारी 10 आइसोलेशन कोच वाली स्पेशल ट्रेन। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। भारतीय रेलवे एक तरफ जहां सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो वहीं कोरोना मरीजों के इलाज में मदद के लिए भी आगे आया है। रेलवे ने कोरोना मरीजों के उपचार में सहायता के लिए शकुरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 10 आइसोलेशन कोच लगा दिए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि ये आइसोलेशन कोच की पहली खेप है जिसे रेलवे इलाज के लिए मुहैया करा रहा है। इस बारे में नॉर्दर्न रेलवे के CPRO दीपक कुमार कहते हैं कि बहुत हल्के या कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को यहां भर्ती किया जा सकता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने के लिए ट्रेन के डिब्बों को विशेष रूप से तैयार किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि रेलवे ने 10 आइसोलेशन कोच वाली एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली सरकार को मुहैया करा दी है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नई आशा की किरण, सिर्फ 1 रुपए की टैबलेट से होगा कोरोना का इलाज, मरीजों पर ट्रायल शुरू। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का उपचार व वैक्सीन खोजने के प्रयास जारी हैं। इस बीच ब्रिटेन में की जा रही एक नई रिसर्च में पता चला है दर्द की एक सस्ती सी दवा आइबुप्रोफेन से कोरोना मरीजों के ठीक होने की उम्मीद है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने जानवरों पर की गई स्टडी के बाद अब कोरोना मरीजों पर इस दवा का ट्रायल शुरू कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले जानवरों पर की गई स्टडी में ये सामने आया है कि इस टैबलेट से कोरोना मरीजों के बचाने की संभावना 80% बढ़ सकती है। सबसे राहत की बात ये है कि बाजार में इसका एक टैबलेट मात्र 1 रुपए में मिलता है। ब्रिटेन के कुछ डॉक्टरों को उम्मीद है कि बेहद सस्ती दवा से कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत घटेगी। ट्रायल के दौरान आधे कोरोना मरीजों को सामान्य इलाज के साथ साथ यह दवा दी जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने तय किया है कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले इस दवा की जगह इसी दवा का एक खास फॉर्मुलेशन ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी बोले, सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण राज्य में कोरोना वायरस के कम से कम मामले। ये दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की ओर से समय पर की गई कार्रवाई की वजह से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम रहे हैं। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 8,000 मामले सूचित हुए हैं। इनमें से 5,000 लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपने घरों को जा चुके हैं और सक्रिय संक्रमण के मामलों की संख्या लगभग 3,000 है। उन्होंने कहा कि समय पर बरती गई मुस्तैदी और कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता का ही नतीजा है कि इस संक्रमण के मामले की संख्या उत्तर प्रदेश में कम है। यह दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमण को रोकने के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं पर योगी ने कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत का एहसास नहीं है। वह अपने एयर कंडीशनर ड्राइंग रूम में बैठकर महामारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वायरस के संक्रमण की जांच क्षमता बढ़ाकर 15,000 सैंपल प्रतिदिन हो गई है और इसे महीने के अंत तक 20,000 सैंपल प्रतिदिन कर दिया जाएगा। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में स्कूल खोलने पर मंथन शुरू, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से मांगी है रिपोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में अनलॉक 1 के लागू होने के बाद से कई चीजों में छूट दी गई है। इसी कड़ी में अब अनलॉक 2 में भी कोशिश की जा रही है कि 2 महीने से बंद पड़े स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान भी खोले जाएं। इसके तहत तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में अब इसी दिशा में बिहार में एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके तहत राज्य में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को फिर से खोलने पर रिपोर्ट बनाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि छात्रों, परिजनों, अभिभावकों, स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट से बात करके रिपोर्ट तैयार करें। इसके लिए अधिकारियों को 6 जून तक का समय दिया गया है। इसके बाद इस रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद स्कूल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्रशांत किशोर पर फिर दाव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। ये दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चाहे अभी लगभग 2 साल का समय बाकी है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने अब से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से दाव खेलने की तैयारी में है। बताने योग्य यह है कि प्रशांत किशोर वह नाम है जिसकी 2017 चुनाव में कांग्रेस को जीतने में अहम भूमिका मानी गई है। अब खबरें ये हैं कि 2022 में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए
कांग्रेस प्रशांत किशोर की सेवाएं ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राजीव बजाज का राहुल गांधी से संवाद, बताया लॉकडाउन में कहां हुई चूक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने भारत में लॉकडाउन को ड्रेकोनियन यानी कि निर्दयी तरीके से लागू बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संवाद में उन्होंने कहा कि इतने सख्ती की जरूरत नहीं थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने गुरुवार को बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बातचीत की। इस दौरान राजीव ने कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंची है और लोगों में इसको लेकर काफी डर बना हुआ है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब जोमेटो, स्विगी और डूंजो फूड सहित अन्य सामानों की ड्रोन से करेंगे डिलीवरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो, स्विगी और डूंजो अब अपने सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने स्विगी, जोमेटो और डूंजो को भारत में ड्रोन के माध्यम से सामान डिलीवर करने के लिए ड्रोन टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक इन कंपनियों को भारत के चुनिंदा शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति मिल गई है। जुलाई माह के पहले सप्ताह से आप परीक्षण के लिए उड़ रहे ड्रोनों को आसमान में सामान डिलीवर करते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।